बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहलियाने वतन अस्सलामु अलैकुम। कल यहाँ कौमे मुत्तहिदा में 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताकि दुनिया के अंदर लसानी और सकाफ़ती तनोह के बारे में आगाही और कसीर लसानी को फ़रोग दिया जा सके। ज़बान और सकाफत का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए, और जो कौमें अपनी ज़बान और सकाफत की हिफाजत करते हैं वो कामयाबी और बुलंदियों को ज़रूर छूते हैं, और जो दूसरों की सकाफत और ज़बान पर चलते हैं तो फिर वो हमारी तरह पीछे रह जाते हैं। ये बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो अहले इल्म लोगों की, के सकाफत और ज़बान पे वो अपना रोल प्ले करें, और इक्वली हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है कि दूसरी दुनिया के अंदर भी और अपने मुल्क के अंदर भी मादरी ज़बान जो है उसको राज करें, उससे मुल्क तेज़ी से तरक्की करता है। लेकिन शायद हमारे मुल्क में किसी को इस तरफ तवज्जो नहीं है। सकाफ़ती लिहाज से जब कोई पैसा वैसा माल मूल बनाना हो तो हमारे जो फॉरेन सेक्टर के लोग हैं वो बैरून ममालक कोई ना कोई इस तरह का शो लगा लेते हैं, लेकिन अभी तक आज रात है और कल होने वाली है, और कल ये मादरी दिन आलमी ज़बानों का मादरी दिन मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, और मुझे कोई इलम नहीं है कि पाकिस्तान की कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो आपको आगाह करता रहूँगा, और मुझे लगता है ये भी सत्तू पी के सोए हुए हैं और इन्हें भी कोई नहीं जगाएगा, लेकिन चलें मैं अपना काम करता रहूँगा, आपको आगाह करता रहूँगा इनकी कोताहियाँ। ये इतने पाकिस्तान का सरमाया और इतना बड़ा जो ज़र मबादला है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी अयाशियों पर, लेकिन जहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सकाफत, पाकिस्तानी ज़बान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। इससे आपका तशख़्स में एक न सिर्फ बिल्ड होता है, पता चलता है कि आप किस किस्म के लोग हैं, और दुनिया के अंदर अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ किसी को तवज्जो नहीं है, तो हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे, ये अपना सोए रहे सत्तू पी के, क्या कर सकते हैं हम। अल्लाह ताला इस मुल्क का और आप सब का हामी और नासिर हो।